हेलो, यू आर वॉचिंग एनएल फर्नीचर्स। हेलो, मेरा नाम पुनीत। जैसे कि मैंने आपको अपनी पहली वीडियोस में बेड, सोफ़ा, चेयर्स सब दिखाया और आपने काफ़ी पसंद करी वो वीडियोस, और उन्हीं सोफ़ा, बेड, चेयर्स के लिए आज हम लाए हैं कुशन फिलर्स, पिलोस, बोल्स्टर और भी बहुत कुछ, और वो भी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मार्केट से आधे दाम पर। मतलब आपको कुशन पिलोस मिलेंगे हाफ प्राइस पर, वो भी सीधा फैक्ट्री से। साथ ही आपको एक छोटा सा प्रोसेस दिखाएगी कुशन फिलर्स तैयार कैसे किए जाते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए। ये बात करते हैं हेवनली द होम डेकोर एंड इस फैक्ट्री के मालिक मिस्टर अंकुर सर। हेलो सर, कैसे हैं आप? हम बहुत बढ़िया हैं। अभी एक्चुअली आप आए हुए हैं हमारे पास, हमारे फैक्ट्री में, हमारे कंपनी में, जिसका नाम है हेवनली द होम डेकोर, जिसके अंदर हम एक्चुअली अपने बनाते हैं कुशन फिलर्स एंड पिलोस। तो आइए आपको दिखाते हैं हमारे जो डिफरेंट फैब्रिक्स हैं और डिफरेंट साइजेस के कुशन फिलर्स बनते हैं। ये है सबसे स्टैंडर्ड साइज जो इंडिया के अंदर चलता है, 12x12 inches। और इसके बाद आता है हमारा थोड़ा सा बड़ा कुशन, जिसके अंदर साइज आता है हमारा 16 inches। उससे बड़ा अगर साइज करेंगे हम बात करेंगे तो ये 18 इंचेस का आता है कुशन। और इससे बड़ा फिर आता है 21 इंच, 21x21 inches का। और सबसे बड़ा साइज जो स्टैंडर्ड चलता है इंडिया के अंदर वो ये 24x24 inches आता है। इसके अंदर एक साइज और आता है हमारा 12x18 inches का, ये भी डिमांड में रहता है इंडिया के अंदर काफ़ी। ये हमारा कुशन है या पिलो है? सर कुशन है, कुशन के अंदर सोफा कुशन में ही काम आते हैं। ओके। तो जैसे कि आपको मैंने बताया अपने डिफरेंट साइजेस जिसके अंदर हमारे कुशन बनते हैं। ये हमारा नॉन वुमन फैब्रिक होता है। अगर बेसिक इकोनॉमिकल रेंज में चाहिए, अगर थोड़ा लो रेट के अंदर फिलर चाहिए तो ये सबसे हमारा स्टैंडर्ड चलता है 12x12 inches का, 38 rupees का पड़ता है। 38 rupees का? जी 38 rupees। तो ये इंक्लूडिंग GST है एक्सक्लूडिंग? सर इसके अंदर GST इंक्लूडेड है हमारे। इंक्लूडेड है? जी। ओके, तो इंक्लूडिंग GST आपने 38 rupees प्राइस बताया। जी। तो मतलब अगर कोई आपसे ऑर्डर करते हैं, अगर दिल्ली से करें, दिल्ली से बाहर से, तो मतलब उनको इस प्राइस के ऊपर सिर्फ कार्टेज पे करना पड़ेगा? जी, कोई एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस कोई नहीं करना? जी, जी, कार्टेज उनका खुद का रहेगा। ये आपको मैंने प्राइस जो बताया है ये सारा GST पेड प्राइस बताया हुआ है। इसके अलावा अगर इसके ऊपर अगर जाना होता है किसी बायर को, तो हमारे पास फैब्रिक्स होते हैं डिफरेंट। जैसे ये है, ये हमारा थोड़ा सा मैक्सिमम प्रीमियम रेंज का कुशन है। जिसकी प्राइस आपको पड़ती है मैक्सिमम 45 rupees। ओके। तो ये फैब्रिक कौन सा सर? सर जैकार्ड फैब्रिक बोलते हैं इसको। ओके। जैकार्ड सेगमेंट के अंदर आता है ये हमारा। जो बायर हमारा बोलता है कि मेरे को, मेरा बायर जो है काफ़ी रिच क्वालिटी का फिलर चाहिए उसको, या मैक्सिमम फिलर चाहिए जो क्वालिटी अच्छी, जिसकी अच्छी हो, तो उसके साथ वो जा सकते हैं, जाते हैं हमारे फिलर्स। तो आपने बताया था आपका जो ये 12x12 inches का जो कुशन फिलर होता है उसका प्राइस 38 to 55 rupees होता है। ठीक है सर, 55 rupees मैक्सिमम ये पड़ता है, मैक्सिमम पड़ता है। और उसमें सिर्फ हमारे चेंजेस सिर्फ फैब्रिक में आता है, फैब्रिक के अंदर साइज, जो इनर जो हमारा जो पॉलीफिल भरा हुआ, फाइबर भरा हुआ है वो सेम रहता है कुछ? जी बिल्कुल। ठीक है सर, तो आपने जैसे बताया ये 55 rupees है आपका? जी इंक्लूडिंग GST। तो जो इससे बीच वाला 38 और 35 के बीच वाला, वो कौन सा कुछ है? सर इसके अंदर वो आता है हमारा, ये होता है हमारा इसके बीच के रेंज में ना फैब्रिक, जिसके अंदर हम, जिसको हम स्ट्राइप फैब्रिक बोलते हैं, सेटिन स्ट्राइप फैब्रिक। ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं आप, तो जैसे कि आप ये सिर्फ हमें फैब्रिक दिखा रहे हैं, साइज़ मेरे ख्याल थोड़ा बड़ा है। जी पर इसी फैब्रिक में 12x12 inches हमारा कितने का रहता है? 12x12 inches के अंदर ये हमारा प्राइसिंग रहता है इसकी 45 rupees, जो कि GST पेड है। ओके। तो आपने मतलब इसी ही थी, डिफरेंट फैब्रिक्स आते हैं आपके पास या इसके अलावा? सर इसके अलावा हमारे पास, आप अगर बोलते हैं कि आपको कलर्ड के अंदर चाहिए, कलर्ड के अंदर भी चलते हैं हमारे ये कुशन, आप देख सकते हैं। ओके, इसका प्राइस भी आपको 12 इंचेस के अंदर 45 ही पड़ेगा, 45 GST पेड, 45 इंक्लूडिंग GST। जी बिल्कुल। ओके सर, बहुत। और इसके अलावा आपको कलर्स डिफरेंट चाहिए तो हमारे पास कलर्स भी होते हैं काफ़ी, जिसके अंदर हम बनाते हैं ये फिलर्स। इसी के अंदर आपको साइजेस चाहिए, जैसे 16x16 और 18x18, 18x18, 21x21 या 12x18 या 24x24, तो सारे साइजेस आपको मिल जाते हैं फैब्रिक के अंदर। तो मतलब आपने जैसे एक स्ट्राइप फैब्रिक दिखाया, एक नॉन वूवन दिखाया, एक जैकार्ड दिखाया। जी। उसके अलावा ये फैब्रिक दिखाया, ये कॉटन फैब्रिक होता है, कॉटन फैब्रिक, कलर्ड कॉटन फैब्रिक बोलते हैं, कलर्ड कॉटन फैब्रिक। जी, इस पर फिलहाल तो अभी प्रिंट है। अगर कोई प्लेन कहते हैं कि मेरे को प्लेन चाहिए, कोई प्रिंट नहीं चाहिए, सब प्लेन भी मिल जाएगा, डिफरेंट कलर में चाहिए? हाँ मिल जाएगा, कलर्स आपको बताया तो आपको, जैसे कि हम सब कलर्स में डील करते हैं, कलर्स आपको सारे मिल जाएंगे, ऑलमोस्ट सारे बनाते हैं हम। ये होते हैं, देखिए। ओके। जैसे कि आपको मैंने अपने 12x12 inches के, 16x16 inches के सब फैब्रिक्स बता दिए। आपको हर फैब्रिक के अंदर मिल जाएंगे हमारे कुशन फिलर्स। उसके अलावा हमारे ये पिलोज बनते हैं,
जिसका जिसका क्वालिटी ये रहती है। देखिए सबसे छोटा साइज का पिल्लो होता है हमारा। ओके, ये आपका सबसे छोटे साइज का पिल्लो है। जी जी जी, जो बेसिक जो बायर हमारा डिमांड करता है। ओके, तो इसका साइज क्या रहता है? 16x24 इंचेस का होता है ये। इससे बड़ा अगर बात करेंगे तो ये हमारा आता है 17x27 इंचेस का। ओके, ये पिल्लो होता है हमारा। ओके ओके, और ये भी आपको सेम जैकार्ड फैब्रिक के अंदर दिख रहा होगा जैसे कि है। हाँ जी हाँ जी, ठीक है, आपको डिफरेंट फैब्रिक के अंदर मिल जाएगा। ओके ओके जी, तो मतलब जैसे कि आपने पहले क्वेश्चंस दिखाए थे उनके डिफरेंट डिफरेंट साइजेस बताए थे आप, तो इसमें क्या क्या साइजेस रहते हैं आपके? इसके अंदर आपको 16x24 मिल जाएगा। ओके, आपका 17x27 मिल जाएगा। ओके, एक 20x30 आता है जो होटल वगैरह में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, होटल में या ओके, ओके, बड़े लग्जूरियस अपार्टमेंट्स वगैरह में यूज़ होते हैं। ओके, इसको लॉन्ग पिल्लोज चाहिए वो मिल जाएंगे। ओके, एक हमारा 14x32 लॉन्ग पिल्लो के हिसाब से बेड में लगाते हैं लोग अक्सर पीछे, वो मिल जाएंगे आपको। ओके, उसके अलावा आपको एक बूस्टर मिल जाएंगे जो बनाते हैं हम। ओके, बूस्टर भी होता है आपके पास? ये इस फैब्रिक में भी मिल जाएगा आपको, और जैकार्ड फैब्रिक के अंदर भी मिल जाएगा जो आपको दिखाया मैंने इस फैब्रिक के अंदर। ओके, और इसमें ही अगर बोलसम नॉन वोवन में चाहिए वो भी हो जाता है? नॉन वोवन में प्रेफर कम करते हैं लोग, सबसे बड़ा रीज़न ये होता है वो फैब्रिक फटने का डर रहता है। ओके, नॉन वोवन के अंदर थोड़ा दिक्कत देता है बोलस्टर बनना। ओके ओके, तो वो उसके अंदर कम प्रेफर करते हैं बनाना। ओके ओके, क्योंकि बोलस्टर हमें हमेशा एकदम टाइट टाइट से होता है, क्वेश्चन फिलर हमारा थोड़ा सॉफ्ट भी चल जाता है, तो बोलस्टर में एकदम टाइट होता है। आपको शेप ना बिगड़े, फील आपको तभी आएगी जब वोवन फैब्रिक होगा, वोवन फैब्रिक के अंदर आपको सपोर्ट अच्छा मिल जाता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और उसके अंदर आपको दिक्कत आती है जब फैब्रिक होता है नॉन वोवन। ओके 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 ओके, तो आपने बताया कि जैसा कुशन फिलर्स प्लस कुशन पिलो एंड बोलस्टर आपने दिखा दिए, जी जी, तो इनके अलावा भी कुछ होता है प्रोडक्ट? इसके अलावा सर हमारे चेयर पैड बनते हैं, ये होते हैं चेयर पैड हमारे। ये होते हैं चेयर पैड हमारे, ये 16 इंचेस का चेयर पैड है। ओके, जो आपको मिल जाएगा इस फैब्रिक में भी मिल जाएगा आपको, इस फैब्रिक में भी मिल जाएगा। फैब्रिक कोई भी ले लीजिए, आपको रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बना दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ये राउंड शेप के अंदर आ गया 16 इंचेस का बूस्टर, उसके अलावा हमारा ये स्क्वायर शेप में आ गया 16 इंचेस का ये चेयर पैड। ओके, आपको इसके अंदर साइजेस बड़ा चाहिए अगर 18 इंचेस का चाहिए या 21 इंचेस का चाहिए या 24 इंच का चाहिए, उसकी भी हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो भी बनाते हैं। ओके ओके, मतलब जैसे आपकी डिमांड है उसी के मुताबिक यहाँ पर आपको साइज मिल जाएगी। ठीक है सर, तो जैसे कि आपने ये 16 इंच और इसका प्राइस क्या रहता है इंक्लूडिंग जीएसटी? जी, इसका प्राइसिंग आप पूछ रहे हैं तो ये लगभग 85 रुपीज़ का पड़ता है। 85 रुपीज़ का ये इंक्लूडिंग जीएसटी? जी, और आपके हिसाब से ये मार्केट में ये ऑनलाइन इसका प्राइस क्या रहता है? मार्केट के बारे में आप बात करेंगे तो लोग इसको थर्ड क्लास क्वालिटी, एक काली रुई आती होगी देखी होगी आपने, उसके अंदर फिलिंग करके देते हैं इसको, और सस्ता भी देते हैं और इसके अलावा इसके महंगा भी देते हैं। जिसको अगर बहुत मोटा मार्जिन रखना है अपना तो वो मोटा मार्जिन रख के भी काम करता है, लेकिन हमारा पर्पस ये रहता है कि जिस बायर के पास हमारी चीज़ जा रही है उसके पास क्वालिटी अच्छी जाए कम से कम। अगर हम उससे चार्जेस जो है वो कम ले रहे हैं, ऐसा ये नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम क्वालिटी इसको ख़राब दे रहे हैं। ओके ओके, है ना, क्वालिटी उसके पास सारी अच्छी रहेगी। उसके अंदर हम फिलिंग करते हैं फाइबर की, जैसे ये पॉलीफिल, जो पॉलीफिल फाइबर की फिलिंग होती है। जी जी जी, कॉन्जुगेटेड फाइबर होती है ये, जिसके अंदर हम जिसके अंदर जो हमारा कुशन हो गया या चेयर पैड हो गया, जो भी आइटम बनाते हैं हम, वो थोड़ा फ्लफी रहे, बाउंसी रहे। okay, और जहाँ तक चलने की बात है, ये आपका 2 से 3 साल तक कहीं नहीं जाने वाला, कहीं नहीं जाने वाला। मतलब आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि ये हमारा कुशन जो है वो बैठ जाएगा या दिक्कत दे जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपके साथ। और अगर बात करते हैं, आपने किसी ने कट मार दिया इसके ऊपर या किसी को इसको फिजिकली हार्म पहुँचा दिया, तो वो सेकेंडरी चीज़ रहती है, उसका कोई गारंटी वारंटी नहीं होती। लेकिन जहाँ तक चलने की बात है, 2 से 3 साल तक आपका चलता है हमारा सारा प्रोडक्ट बनाते हैं। मैंने जैसे कि आपसे पूछा इनका प्राइस क्या रहता है, मतलब इसी सेम क्वालिटी का क्या प्राइस रहता है मार्केट में या ऑनलाइन? मैंने आपको बताया ना, लोग इसको 200-200 रुपये का भी बेचते हैं, 250 रुपये का भी बेचते हैं। ओके ओके ओके, और हमसे 2-2, 3-3, 4-4 गुना फालतू प्राइसेज भी बेचते हैं इसको। ओके ओके, हमारा पर्पस ये नहीं है कि आपको बताया कि मोटा मार्जिन लेके एक बार काम कर लिया। हमारा पर्पस ये रहता है कि रिपीटेडली काम चले उस पर्टिकुलर बायर के साथ, और लगातार उसके साथ काम चलेगा तो वो आगे 10 लोगों को और रिकमेंड करेगा, और रिकमेंड करेगा तो हमारा काम उसी से चलता है। तो जैसे आपने बताया बायर मतलब जो होलसेलर हो गए, जी, तो डायरेक्ट फैक्ट्रीज लेके आगे होलसेल करते हैं, आगे रिटेल को देते हैं, ठीक है सर? जी जी जी, मतलब आपसे होलसेलर रिटेलर कोई भी जुड़ सकते हैं? जी बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर कोई किसी को घर के लिए लेने हैं अपने? घर के लिए देखिए, कोई कम से कम अगर बोलता है तो एक सेट तो ले गई वो, मतलब 5 पीस का जो क्वेश्चन आता है ये। ओके ओके, ये 5 पीस का जो क्वेश्चन आता है वो तो उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर अक्सर बात करते हैं लोगों के घरों में जो सोफ़ा होते हैं, वो सोफ़ा में कम से कम 5 सीटर तो होता ही है। हाँ जी हाँ जी, तो 5 क्वेश्चन तो लेगा ही लेगा। ओके ओके, है ना। और अगर बात करते हैं आप अगर कॉम्बो की, तो हमसे लोग ऑनलाइन भी लेते हैं, जो वो हम इसको क्या करते हैं, जैसे पिल्लो हो गए, ये पिल्लो हमारे 2 ऑर्डर कर दिए किसी ने, मतलब 2 पिल्लो साथ में 2 कुशन। कई लोग क्या करते हैं, हमने बेड के साथ, बेड के बैक साइड पे
दो पिलो लगाते हैं और दो कुशन लगाते हैं उसको, काफ़ी अच्छा दिखने के लिए। तो ये कॉम्बोज में भी बिकते हैं, मेरे ऑनलाइन बिकते हैं खैर वो तो, और किसी को डिमांड अगर बल्क में रहती है तो वो सेट्स के अकॉर्डिंगली हमसे ऑर्डर कर सकता है। ओके सर, तो मतलब आपने बताया मतलब जैसे घर के लिए लेने आते हैं तो उनको कम से कम मिनिमम एक सेट लेना पड़ेगा। हाँ, एक सेट तो लेंगे, हमारे पास कुशन्स रहते हैं हमारे। जी जी जी, ठीक है जी। और मतलब जैसे आपने एक का बताया था 12x12 inches का 38 rupees जी, इंटू 5 कर देते हैं वो टोटल प्राइस मिलेगा 190 rupees हमारा हो जी, जाता है जी। तो उस पर सिर्फ एक्स्ट्रा हमारा कार्टेज लगेगा बस, और कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, तो जो अभी आपने इससे 12x12 से कुशन्स के ऊपर साइज दिखाए थे उनका प्राइस बताएगा एक बार। उसका प्राइसिंग बताने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार हम चलते हैं, हमारा प्रोसेस बताते हैं कि आपको बनते कैसे हमारे क्वेश्चन फिलर। ओके ओके ओके, तो मतलब सर आप बताएंगे हमारे इनका क्वेश्चन फिलर रेडी कैसे होता है। जी जी जी, तो जैसे कि आपको मैंने बताया अपना प्रोसेस दिखाते हैं हम कि कैसे अपना बूस्टर हो गया, अपने चेयर पैड हो गए, या क्वेश्चन फिलर्स हो गए, या बूस्टर हो गए, बनते कैसे हैं। आइए देखते हैं ये कैसे हमारी स्टिचिंग होती है। सबसे पहले हमारी कटिंग होती है इसकी, जैसे जो भी साइज़ होता है हमारा उसको उसके अकॉर्डिंगली कट कर लिया। उसके बाद हमारा टेलर जो है उसको स्टिच करते हैं। आइए देखते हैं, तो अभी ये प्रोसेस हम आपको नॉन वुवन फैब्रिक में दिखाएंगे। ठीक है, ये स्टिचिंग होएगा हमारा। ओके, ओके, तो सर जैसे कि ये लेबल लगा रहे हैं। जी जी जी, ठीक है। ये ब्रांडिंग जैसे किसी को चाहिए अपनी, वो अपने लेबल प्रोवाइड कर देगा हमारे को। ओके ओके, उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी स्टिचिंग कर देंगे। ओके ओके ओके, अभी ये हमारा क्वेश्चन आ गया। ये जैसे कि हमारा कवर आ चुका है, ये कुशन फिलर का कवर आ चुका है, इसको आते हैं, इसको देखते हैं ये फिलिंग कैसे होती है इसकी, हमारा प्रोसेस नेक्स्ट क्या रहता है। ओके ओके, तो जैसे कि आपको हमने बताया अभी हम प्रोसेस दिखाएंगे अपना फाइबर का कि क्या फिलिंग होती है इसके अंदर। तो ये होती है हमारी फाइबर फिलिंग इसके अंदर। ओके ओके ओके, ये होती है हमारी रॉ फाइबर। ओके, जिसको हम अभी कार्डिंग प्रोसेस के थ्रू ओपन करेंगे और वो कुछ इस प्रकार दिखेगी। ओके ओके, ठीक है, जिसके अंदर हम बोलते हैं कि पीस हमारा बहुत ज़्यादा उठता है, बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लफी बाउंसी रहता है और फ्लफी रहता है। तो आइए देखते हैं हमारा प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है। ये तो ये हमारी कार्डिंग मशीन है जी, जिसमें कार्डिंग प्रोसेस हमारा होता है। तो कुछ इस प्रकार ये ओपन हो जाती है, जैसे कि आपको दिखाया हमने रॉ फाइबर हमारी कैसे कार्डेड फाइबर के अंदर आती है। okay. आइए इसको दिखाते हैं हमारी फिलिंग कैसे होती है। okay, इस मशीन के थ्रू। ओके, तो ये मशीन है, तो ये फिलिंग होती है, देखिए कैसे होती है। जैसे कि आपको दिखाया हमने ये फिलिंग कैसे होती है। okay. उसके बाद हमारा प्रोसेस रहता है इसका वेट करना। okay. इसके अंदर हम आपको बताएंगे जैसे कि बायर की रिक्वायरमेंट रहती है उसके अकॉर्डिंगली रहता है। अभी बायर की हमारी डिमांड है वैसे 150 grams की। ओके ओके, तो ये हमने 150 grams का किया और उसके बाद होता है इसका मुंह बंद। उसके बाद okay. आपको दिखाते हैं इसका मुंह बंद होता है कैसे। तो उसका कर दिया ये कुछ इस प्रकार, इसका माउथ जो होता है वो बंद होता है कुशन फिलर का, जो प्रॉपरली कुशन फिलर के फॉर्म में बोला जाता है। अब ये हो गया हमारा क्वेश्चन फिलर तैयार। okay, अब इसको हम जैसे किसी को ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजना है। okay. तो उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट पे लगा देते हैं वैक्यूम करके। ठीक है, okay, मतलब वैक्यूम प्रोसेस भी होता है। हाँ, वैक्यूम करते हैं, उसके बाद उसकी पैकिंग होती है, वो सब चीज़ें प्रोसेस का रहता है। आइए आपको दिखाते हैं अभी इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहता है, इसको वैक्यूम कैसे करते हैं। ओके ओके ओके, चलिए। तो आपको भी दिखाया था जैसे कि हमारा क्वेश्चन फिलर बनता कैसे है, ये बनने के बाद इसका वैक्यूम का प्रोसेस कैसे रहता है वो देखते हैं। ये एक हमारा पिल्लो भी है जिसकी पैकिंग कुछ इस प्रकार दिखती है। ये इस प्रकार दिखती है। तो ये कॉस्वेल जैसे किसी का ब्रांड है ये कॉस्वेल? जी, ये हमारा ही ब्रांड है, इसके अंदर हम बनाते हैं। जी जी, जिसके अंदर हम बनाते हैं पिल्लो वगैरह अपने। तो आइए इसको वैक्यूम कैसे होता है ये देखते हैं। जैसे कि आपको मैं बता रहा था, जिस किसी बायर को चाहिए होगा जैसे रिक्वायरमेंट बल्क में, तो वो कैसे चाहेगा इसको लेना, इसको वैक्यूम फॉर्म के अंदर लेना चाहेगा। okay, okay, okay. ठीक है, वैक्यूम फॉर्म के अंदर क्या जाता है, उनको ट्रांसपोर्टेशन कार्टेज वगैरह लगती है कम। okay, और उनको okay. अगर आगे पैक करके भेजना है इस चीज़ को, तो वो बहुत ईजिली इसको पैक करके आगे भेज सकते हैं। okay, जी okay. मतलब सेम, किसी के पास क्वेश्चन जाता है तो इस फॉर्म में क्वेश्चन जाएगा। जी जी जी, इस फॉर्म के अंदर जाएगा, इसको हम वैक्यूम फॉर्म के अंदर बोलते हैं, जिसको कंप्रेस फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, यही सेम चीज़ हमारे पिल्लो के साथ भी होती है। ये होता है पिल्लो हमारा वैक्यूम होने के बाद। ओके ओके जी, जैसे कि आप इस पे MRP भी देख लेंगे 699 की। हालांकि इतने का नहीं मिलेगा आपको, इससे काफ़ी रेट कम में ही मिलेगा। और
कुछ इस प्रकार दिखता है हमारा। तो मतलब जैसे ही एक आइडिया, चलो आपने बोल दिया कि 699 इसका MRP है। जी जी जी। तो आप कितने का दे देते हैं? यही सेम क्वेश्चन। ये पिल्लो आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिलेगा। आप कितने का देते हैं आगे बायर को? या हम बायर को रिटेल में अगर देते हैं तो 200 का भी दे देते हैं। उसके अलावा अगर किसी को कम रेंज में चाहिए तो उसको फाइबर की कम फिलिंग करके उसके अकॉर्डिंगली भी दे देते हैं। तो वैसे अगर होलसेल की बात करेंगे हम तो ये 130-140 के अराउंड भी मिल जाता है। इसके ऊपर GST लगता है हमारा 18%। ओके ओके ओके। मतलब लगभग 150-200 का एक क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है जी जी जी। और इसमें MRP 700। जी जी जी। तो कोई भी अगर आपसे बायर रिटेलर होलसेलर लेते हैं तो वो आगे आराम से मतलब 150 रुपये का क्वेश्चन अपने एरिया के अकॉर्डिंगली, अपने बायर के अकॉर्डिंगली 300 रुपये में बेच सकते हैं आराम से। जी, अपने बायर के अकॉर्डिंगली, अपने उस एरिया के अकॉर्डिंगली बेच सकते हैं इसको। क्या बात, उसके हिसाब से कर सकते हैं। आइए इसको देखते हैं हम, ये वैक्यूम होने के बाद एक्चुअली कितना शेप में आता है वो कैसा दिखता है। ओके ओके। तो जैसे अभी आप इसको कंप्रेस कर दिया तो उसमें कुछ फर्क आता है? मतलब क्वालिटी में कुछ होता है कि क्वालिटी में देखिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए देखते हैं हम लाइव एग्जांपल के साथ कैसा दिखता है हमारा क्वेश्चन और पिलोज खुलने के बाद। इसमें एयर फिलिंग होगी अपनी। ओके ओके ओके। क्या तो ये कुछ इस प्रकार दिखेगा हमारा, वही हमारी सेम शेप में वापस आ गए। जी बिल्कुल। क्या बात है, जबरदस्त। उसके अलावा हम बात करते हैं अगर अपने पिल्लो की। ओके। तो पिल्लो भी हमारा कुछ इसी प्रकार से शेप लेने वाला है। ये लेगा शेप में पिल्लो। क्या बात है, ये वही हमारी शेप में। जी बिल्कुल, ये उसी शेप में आ गया। और ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो सबसे इजी रहता है वैक्यूम फॉर्म, इसलिए हम वैक्यूम करते हैं उस पिल्लो को या उस कुशन को। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगर ये आपको हर फैब्रिक के साथ हो जाएगा तो ये पॉसिबल है कि हर फैब्रिक के अंदर आपको वैक्यूम करके मिल जाएगा। चाहे वो स्ट्राइप्स फैब्रिक के अंदर बताया आपको, चाहे जैकार्ड के अंदर बताया, चाहे नॉन वन के अंदर बताया, हर फैब्रिक के अंदर ये वैक्यूम हो जाता है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। कॉटन फैब्रिक में भी हो जाता है? जी, कॉटन फैब्रिक में भी मिल जाएगा आपको। और उसके अलावा अगर आपका लेबल वगैरह सब लगे हैं किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं आती वैक्यूम होने के बाद। बहुत बड़े, बहुत बड़े। जी, तो अब बात करें प्राइसेस की एक बार। हाँ, प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो जैसे कि आपको हमने सारा प्रोसेस दिखा दिया अपना कि क्वेश्चन फिलर्स बनते कैसे हैं या दूसरे हमारे प्रोडक्ट्स बनते कैसे हैं। okay. आपको मैं अभी आइडिया दे देता हूँ कि हमारे 16 इंचेस का क्या प्राइसिंग रहते हैं। okay. ये हमारा रहता है 75 से लेके 100 रुपीज़ तक, डिफरेंट फैब्रिक्स के अंदर। जैसे नॉन वन हो गया तो okay. उसका रेट कम हो गया। उसके अलावा अगर जैकार्ड के अंदर हो गया या उसके अंदर हो गया डिफरेंट फैब्रिक के अंदर, तो उसका रेट थोड़ा ऊपर हो गया। और स्टार्टिंग में आपको हमने अपने 12 इंचेस का क्वेश्चन का रेट दे ही दिया था। ओके ओके। बाकी अगर आपको डिफरेंट किसी साइजेस के अंदर या क्वालिटी के अंदर चाहिए होगा प्राइसिंग, कि आपको एक बार अपना कार्ड शो कर देता हूँ इसके अंदर। ओके। तो ये है हमारा एड्रेस एग्जैक्टली, अगर आपको विजिट करना है तो। ओके, तो ये नंबर है और ये एड्रेस है। अगर आप दिल्ली में है तो डायरेक्ट इस फैक्ट्री आ सकते हैं। जी जी। और अगर आप दिल्ली से बाहर है तो जो ये नंबर्स आ रहे हैं इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। जी सर, आपको जैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, जैसी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंगली आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो जैसे कि आपको हमने अपने 12 इंचेस का और 16 इंचेस का प्राइसिंग और फैब्रिक वगैरह सब चीज़ें दिखा दी है, आपको थोड़ा सा पिल्लो का आइडिया दे देते हैं हमारा। ये पिल्लो जो 16x24 इंचेस का होता है, ये हमारा 130 रुपीज़ से मैक्सिमम जो रेंज जाती है वो 200 रुपीज़ की जाती है। ओके ओके। इसके अंदर हमारा पिल्लो आपको दिखा देता हूँ, ये भी आते हैं। ओके ओके। पाइपिंग? जी, पाइपिंग वाले। इसकी पाइपिंग की बात करेंगे रेंज की, तो ये तकरीबन आपका 300-350 तक भी जाती है रेंज। अगर इसकी बात करेंगे स्पेसिफिकली, आपको जैकार्ड के अंदर पाइपिंग चाहिए और काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का चाहिए पिल्लो, आप खुद देख सकते हैं कितना रॉयल लुक में दिख रहा है पिल्लो। हाँ जी, एकदम जी। तो इसकी प्राइस 350 इसकी प्राइसिंग की अगर बात करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा जाता है, 300-350 भी जाता है। ये आपको मैंने वो बताया है जो रिटेल में रहता है हमारा। ओके ओके। ठीक है, जिसको अगर क्वांटिटी में चाहिए वो पर्सनली हमें, जैसे आपको मैंने बताया कि वीडियो के अंदर हमारा लिंक वगैरह दिया हुआ है, एड्रेस वगैरह दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली हमसे बात कर लिया जाएगा। और इसके अंदर आपको अगर चाहिए आपके क्वेश्चन भी पाइपिंग के अंदर, तो ये भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी इसके। ओके, मतलब क्वेश्चन में भी पाइपिंग लग जाएगी। जी बिल्कुल। तो मतलब ऐसा है कि मतलब कुछ पर्टिकुलर फैब्रिक होनी चाहिए उसी पे पाइपिंग लगेगी या ऐसा कुछ नहीं है सर? आपको नॉन वूवन पे भी लग जाएगी फैब्रिक? नॉन वूवन पे भी लग जाएगा, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। जैसे कि आपको मैंने बूस्टर में बताया था कि उसका फटने का चांसेस रहेंगे, और थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हम नॉन वूवन फैब्रिक के ऊपर नहीं देते, क्योंकि वो नॉन वूवन फैब्रिक होता ही बहुत लो क्वालिटी का है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं वूवन फैब्रिक की, वूवन में आप जितना जिस भी मर्जी फैब्रिक में पाइपिंग करा सकते हैं, जिस भी मर्जी फैब्रिक के साथ जा सकते हैं पाइपिंग के अंदर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं देगा। ओके ओके। तो मतलब अगर आपको अपने घर के लिए लेना है तब भी आपको यहाँ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्वेश्चन फिलर मिलेंगे। अगर आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेस है ये। मैं आपको बता देता हूँ, बिजनेस किसी को स्टार्ट अगर करना है तो वो कम से कम अगर बोलता है हमारे को 50 पीसेज चाहिए, इवन 20 पीसेज का भी सैंपल के तौर पे चाहिए, तो वो भी प्रोवाइड किया जाएगा। मैं बोलता हूँ कि अगर जैसे किसी ने 50 पीसेज या 10 पीसेज या 20 पीसेज के अकॉर्डिंगली
रिक्वायरमेंट अपनी डाल दी और बता दिया मुझे कि सैंपल के तौर पे भिजवा दिया हमने उसको, ठीक है। उसके बाद मुझे पता है कि रिक्वायरमेंट उसकी रहेगी बल्क में ही, क्योंकि हमारी क्वालिटी वही रहने वाली है जो आपको 10 पीसेज में आई है या 20 पीसेज में आई है, सैंपल के तौर पे जो 50 पीसेज आपके पास आए उसके अंदर रहने वाली है, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कि जैसे आपने बल्क ऑर्डर दिया, इवन आपका 1000 पीसेज या 2000 पीसेज का भी रिक्वायरमेंट है, पिल्लो का, कुशन का, किसी भी चीज़ का, उसमें क्वालिटी डिफर हो जाएगी, वो कुछ नहीं होएगा। आपको क्वालिटी सब में स्टैंडर्ड मिलेगी, सब में जो दिखाया है आपको वीडियो के अंदर वही मिलेगा। ओके 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 जी। तो एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, अगर कोई एक सेट के लिए ऑर्डर करते हैं, ठीक है, तो उसमें कितना टाइम लगता है डिलीवर करने में, और अगर कोई मतलब 10 सेट ऑर्डर करता है तो उसमें कितना टाइम लगता है? सर, हमारी कैपेसिटी जो है उसके अकॉर्डिंगली बताऊँगा आपको। तो किसी को अगर सिंगल पीस भी, सिंगल सेट भी ऑर्डर करना है वो भी सेम डे करते हैं हम। किसी को अगर 100 सेट्स ऑर्डर करने हैं वो भी सेम डे डिस्पैच करते हैं हम। किसी को अगर 1000 पीसेस चाहिए किसी भी चीज़ के, पिल्लो के या किसी भी चीज़ के, वो भी हम डिस्पैच करते हैं सेम डे। क्या बात, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ के अंदर, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन रहती है थोड़ा मशीन के थ्रू, आपको दिखाया है सब चीज़ें होती हैं, तो वो मशीन जब काम करती है तो वो अपनी क्षमता से काफ़ी अच्छा करती है, है ना। उसके ऊपर अगर मैन पावर स्मार्टली वर्क करेगी तो वो चीज़ें उसकी और अच्छी तरीके और से और थोड़ा जल्दी हो जाता है। जी बिल्कुल, वैसे एक दिन काफ़ी होता है 1000 पीस, मतलब बहुत जल्दी हो गया। जी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती हमारे को प्रोडक्शन का निकालने में, तो कोई ऐसी बड़ा इशू नहीं आता। और डिलीवर करने में मेरे ख्याल 5 से 7 दिन लग जाता है अगर आउट ऑफ डेली। अगर आप हाँ आउट ऑफ डेली बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 to 6 डेज लगते हैं कोई चीज़ पहुँचने पर। मतलब विद इन 7 डेज में, सेवन वर्किंग डेज के अंदर बात करेंगे हम तो पहुँच जाती चीज़। ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जैसे कि आपने अपनी कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स, मतलब सारे कुशन फिलर्स पिलो सब दिखा दिए जी, ठीक है, साथ ही हमें अपना एक प्रोसेस भी दिखा दिए कैसे आपका ये फिलर तैयार होता है। जी, ठीक है, और कुछ हद तक इन सब के प्राइस भी बता दिए जी। तो लास्ट में हमारे व्यूअर्स को कुछ कहना चाहेंगे? जी, जैसे कि आपने हमारा प्रोसेस देख लिया सारा कि हमारे प्रोडक्शन होती कैसे है, उसके अलावा आपको मैंने रैंडम प्राइजेस दे दी हैं कुछ कि प्राइजिंग क्या रहने वाली है आपको कुशंस की, अपने पिलोज़ की। इसके अलावा आपको मैं ये बात जरूर गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको जो प्राइजिंग मैंने दी है ये इसी क्वालिटी में, इसी प्राइसिंग के अंदर आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलने वाला जो चीज़ आपको हम देने वाले हैं। और उसके अलावा आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, हमारी जो डीलिंग रहती है वो करंटली जो शॉपकीपर होते हैं उनके साथ रहती है, ऑनलाइन सेलर्स होकर उनके साथ रहती है, किसी एक्सपोर्टर्स के साथ, हमारे एक्सपोर्टर्स के साथ भी डीलिंग रहती है। जो अपना बल्क में रिक्वायरमेंट रहती है उनकी कवर्स के अंदर फिलिंग रहती है कुशन वगैरह की, उसके साथ वैक्यूम करके सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं हम। ओके ओके, जैसे इवन एक प्रोसेस और आपको बताना भूल गया, किसी को अगर फ्लाइट वगैरह में जाना होता है, अपने अब्रॉड जाना है या कहीं आउट ऑफ दिल्ली जाना है, अपने इस स्टेट के बाहर जाना है, तो लोग हमसे इवन वैक्यूम भी कराते हैं अपने सामान को छोटा कराने के लिए, तो वो चीज़ में भी हमारी डीलिंग रहती है। मतलब सामान को लगा जब सामान को समझ, जैसे आपने जैसे किसी को ब्लैंकेट भेजने हैं, पिल्लो भेजने हैं, अच्छा वो भी वैक्यूम हो जाते हैं आपके पास। क्या बात है, ज़बरदस्त, ये नई चीज़ देखने को। तो आपने देखा होगा कई चीज़ें होती हैं जो फूड भी वैक्यूम होकर आता है आज की डेट में, और किसी को अगर अब्रॉड जाना है या इवन दिल्ली से बाहर जाना है, चीज़ को कॉम्पैक्ट करना है, उसके अंदर भी हमारा प्रोसेस रहता है। उनके इवन गारमेंट्स हो या जी कुछ गारमेंट्स हो, ब्लैंकेट्स हो या कुछ भी चीज़ें हो उनको जो लेके जानी है, तो वो वैक्यूम हो जाता है, सामान छोटा करना है, कंप्रेस करना है, और उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रांसपोर्टेशन में ईजी हो जाती है। क्या बहुत अच्छी, मैंने पहली बार ये सुना है कि ऐसा भी कोई करता है, और आप देख ले कि आप करते हैं जो कुशन फिलर्स ही बनाते हैं। जी, ठीक है। तो मतलब सर ने आपको सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ बता दिया, अगर आप कुछ प्राइस अगर रह गए तो आपको जो सर ने नंबर दिखाया था, अपना कार्ड दिखाया था, आपको हमारे नंबर्स वगैरह सब फ्लैश हो रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, फ्लैश वो आपको जैसे किसी का प्राइसिंग अगर जानना है कि स्पेसिफिकली इस साइज़ का, इस पर्टिकुलर फैब्रिक के अंदर क्या प्राइस रहेगा, वो आपको स्क्रीन के ऊपर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उस पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बहुत इजीली हम तक पहुंच सकते हैं। यही नंबर हमारे व्हाट्सएप के भी होते हैं, यही नंबर हमारे सेलुलर नंबर भी होते हैं जिसके आप पर आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। ओके ओके, तो जैसे सर ने बताया था ऑनलाइन मार्केट में भी चेक करेंगे तो यहाँ के प्राइस से ज़्यादा ही होगी, क्योंकि वही सारे यहाँ से लेकर जाकर वहाँ बेच रहे हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, आपको क्वालिटी भी नहीं मिलेगी यही रेट पे और प्राइसिंग भी नहीं मिलेगी ये रेट पे जो आपको बताई है मैंने। ओके सर, तो सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मतलब अपनी ये फैक्ट्री दिखाने के लिए, अपना एक क्वेश्चन दिखाने के लिए, क्वेश्चन कैसे तैयार होता है, और अपना ये कीमती वक्त हमें देने के लिए। जी शुक्रिया, हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें बहुत अपना इतना वैल्यूएबल टाइम दिया और हमें थोड़ा सा अपना प्लेटफॉर्म दिया जिसके ऊपर हम अपनी चीज़ें प्रमोट कर सकें और अपने बिजनेस को और थोड़ा ग्रो कर सकें। बाकी अगर आपको लगता है कि हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह आपको दिखने हैं कि कुशन फिलर्स हो गए, पिलोज हो गए और बूस्टर हो गए और चेयर पैड हो गए, इसके अलावा भी हमारी एक दो ब्रांड अपनी खुद की और आ रही हैं जिसके लिए मैं सर को ज़रूर बोलूँगा कि हमें नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करेंगे हमारी, उसके अंदर हमारा हेवनली द होम डेकोर के अंदर बहुत सारी आइटम प्रोडक्ट्स आने वाले हैं जिसके अंदर हम
आपको और होम डेकोर के अपने प्रोडक्ट्स दिखाएंगे। ओके ओके, तो सर मैं कोशिश करूँगा ना पक्का, मतलब आपका जो अपकमिंग जो आपका ब्रांड है जी, मैं उसके हर प्रोडक्ट को कवर करूँ। आपसे ज़्यादा मेरी इच्छा है कि मैं, मेरे को नया कंटेंट मिले बस। जी बिल्कुल, मैं अपने जो मेरे देख रहे हैं व्यूअर्स उनको कुछ नया दिखा सकूँ। जी बिल्कुल, तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि अलग अलग जगह जाऊँ, अलग अलग चीज़ें दिखाऊँ। जी, तो प्लीज़ जब भी आपका वो ब्रांड अगर आप लॉन्च करते हैं या प्रोडक्ट्स आते हैं तो मेरे को जरूर आपको कॉन्टैक्ट करूँगा, उसी वक्त आऊँगा और आपकी एक वीडियो बना के हमारे व्यूअर्स को दिखाएगी। जी बिल्कुल, ठीक है सर। सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए। ओके, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो का लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको न्यू स्टाइल ऑफ फर्नीचर एंड होम डेकोर प्रोडक्ट्स देखने को मिलेगा। धन्यवाद।